सो हे गाइस, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं विक प्रो गेमिंग। तो माइनक्राफ्ट की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक और मज़ेदार धांसू जो सेडर पैक है वो लेके आ गया हूँ। ये जो सेडर पैक है मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा और ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ। और आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के पास में चाहे कितना भी लो एंड डिवाइस हो, चाहे 1 GB रैम हो चाहे 2 GB रैम हो, ये उनमें भी इजीली बढ़िया तरीके से काम करने वाला है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग जो ये सेडर पैक अपने एंड्रॉइड के अंदर, iOS के अंदर और विंडोज़ 10 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और ये आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। लेकिन वीडियो के अंदर आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो अपना लो एंड डिवाइस है उसके अंदर जो ये सेडर पैक है यूज़ करोगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कोई दुश्मनी है क्या मेरे चैनल से? तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जाके जल्दी से 1K हमारे पूरे करवा दो। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं डेमो दे देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रास वगैरह यहाँ पे आप लोगों को मेरे सराउंडिंग के अंदर है उसके अंदर आप लोगों को जो 3D एनिमेशन है वो नज़र आएगा। और आप लोग यहाँ पे जो सन वगैरह हैं, आप लोग क्लाउड्स वगैरह भी देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को एकदम रियलिस्टिक मिलने वाले, फैंसी क्लाउड्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, एकदम रियलिस्टिक स्काई मिलने वाला है आप लोगों को। और जो वाटर वगैरह है उसके अंदर भी आप लोगों को जो वेव्स वगैरह हैं वो नज़र आएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पानी के अंदर भी आप लोगों को जो वेव्स हैं वो नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और रात का जो नज़र है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो रात के अंदर ये जो सेडर पैक है थोड़ा सा डार्क कर देता है, तो आप लोगों को जो रात है वो और भी ज़्यादा डार्क नज़र आने वाली है। और जो मून है वो पूरा का पूरा राउंड शेप में नज़र आएगा, तो आप लोगों को एकदम रियलिस्टिक फील आने वाला है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर, जो कि आप लोगों का जो खेलने का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, जो शेडर पैक है यहाँ से डाउनलोड करना है और इसको अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इसका जो डाउनलोड प्रोसेस है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे रखी है, आप लोगों को सिंपली से ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैंने इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो डाल दिया, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे पिंड कमेंट में जाना है, वहाँ पे मैंने इसकी जो डाउनलोड लिंक डाल दिया तो आप लोग वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग जैसे इस फाइल को डाउनलोड कर लो उसके बाद में आप लोगों को जो जेड आर्चीवर ऐप है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से जो प्ले स्टोर है वहाँ से जो जेड आर्चीवर ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को जेड आर्चीवर ऐप के ऊपर समझा देता हूँ। अब तो जैसे ही आप लोग वहाँ से वो वाली फाइल डाउनलोड कर लो तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो जेड आर्चीवर ऐप है वो ओपन कर लेना है, उसके अंदर जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसमें आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड स्क्रॉल करके आप लोगों को वहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी RWSP नाम से। तो आप लोगों को क्या करना है, जो .mc पैक के अंदर फाइल है आप लोगों को ये डाउनलोड करनी है। तो आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो MC पैक में ही डाउनलोड करनी है। तो आप लोग जैसे ही इसे डाउनलोड कर लो तो आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जो राइट साइड में एरो का निशान है आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे ओपन विद के साथ में। तो आप लोगों को क्या करना है, जो माइनक्राफ्ट इसको यहाँ से माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ से माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों की जो शेडर पैक अपने आप आपके माइनक्राफ्ट के अंदर इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी फाइल कट पेस्ट नहीं करनी है, आप लोगों को बस वेट करना है, ये जो फाइल ऑटोमेटिकली आपके माइनक्राफ्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो इंपोर्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो मेरा इंपोर्ट है वो फेल हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट कर रखी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में चलिए आगे का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कैसे आप लोग इसे अपने लो एंड डिवाइस के अंदर वर्क करवाओगे और कैसे आप लोग इसे अपने हाई एंड डिवाइस के अंदर वर्क करवाओगे। तो जैसे ही आप लोग अपने माइनक्राफ्ट की होम स्क्रीन के ऊपर आ जाओ तो आप लोगों को क्या करना है, जो सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके अंदर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है और जो ग्लोबल रिसोर्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो माई पैक है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से जो ये फाइल एक्टिवेट कर रखी है यहाँ से देखिए RWSP वाली। तो आप लोगों को क्या करना है, माई पैक्स में से ये एक्टिवेट कर देनी है। एक्टिवेट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, जो एक्टिव पैक्स है यहाँ पे क्लिक करना है और इसके फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए जो सेटिंग का निशान है आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो इस जगह पे आप लोग जब इसको फुल करके रखोगे तो आप लोगों के पास में अगर 12 GB रैम या 6 GB 8 GB रैम का फ़ोन है तो आप लोग इसे यहाँ पे रखिए। अगर आप लोगों के पास में 6 GB रैम का फ़ोन है तो आप लोग इसे यहाँ पे रखिए। अगर आप लोग के पास 4 GB रैम का फ़ोन है तो आप लोग इसे यहाँ पे रखिए। अगर आप लोगों के पास में 1 या 2 GB रैम का फ़ोन है तो आप लोग 3 GB पे यहाँ पे रख सकते हैं, 2 GB पे आप लोग इसे यहाँ रख सकते हैं और 1 GB के ऊपर आप लोग इसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने लो एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस के अंदर ये जो सेडर पैक है इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 4 GB रैम का फ़ोन है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पे। तो ये जो मेरा 4 GB है इसके अंदर लैग नहीं करेगा अब। तो यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है और यहाँ से बैक आ जाता हूँ और यहाँ से प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने ग्लोबल रिसोर्स से उसे एक्टिवेट कर दिया तो आप लोगों के जितने भी पुराने वर्ल्ड हैं उसके अंदर सभी में वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे मैं आप लोगों को नया वर्ल्ड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काम आप लोगों को आप किसी भी अपने एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो रिसोर्स पैक है इसके अंदर आ जाना है, यहाँ से माई पैक्स में जाना है और दोबारा से यहाँ से जो RWSP वाला है इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद में जो एक्टिव वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो सेटिंग वाला है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से मेरे को दोबारा से इसको 4GB के ऊपर सेट करना पड़ेगा और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद में मैं ऐसे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरा वर्ल्ड है इस शेडर पैक के साथ में वो क्रिएट होना चालू हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो मेरा शेडर पैक है वो मेरे वर्ल्ड के अंदर लग चुका है और आप लोग देख सकते हैं एकदम कितना स्मूथ चल रहा है वहाँ पे। तो जैसे ही मैंने वो सेटिंग की, यहाँ पे देखिए जो मेरा गेम प्ले है एकदम स्मूथ हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग आप लोगों को नजर नहीं आएगा, जबकि मेरे पास में जो फोन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ 4GB रैम का है। जबकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई थी वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही हैं। वैसे थोड़ा सा रेंडर होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक कि जो सारा वर्ल्ड है वो रेंडर हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पेड़ वगैरह हैं उसके अंदर भी आप लोगों को जो वेव है वो नजर आएंगी। आप लोग यहाँ पे जो ग्रास वगैरह हैं इसके अंदर भी आप लोग जो 3D एनिमेशन है वो देख सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ पे जो पानी है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पानी है उसके अंदर भी आप लोगों को जो वेव्स हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ पे देखिए जो सी ग्रास है उसके अंदर भी जो 3D एनिमेशन है वो नजर आएगा आप लोगों को। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे सन देख लीजिए, सन के अंदर भी आप लोगों को जो पूरा का पूरा राउंड शेप है वो नजर आएगा। लेकिन इस शेडर पैक की मेरे को एक ही बुरी बात लगी कि ये जब शेडर पैक आप लोग लगाओगे और अपने नेदर पोर्टल में जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो टॉर्च है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देता है उस एरिया को, तो आप लोगों को वहाँ पे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बाकी जो ये शेडर पैक है काफ़ी मस्त है, आप लोग यहाँ पे जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो भी देख सकते हो कैसे एकदम उनमें 3D एनिमेशन नजर आएगा आप लोगों को। आज की वीडियो बस इतनी ही है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।